राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, बचाता यीशु मुझको डर ही। और एक बार कहते हैं, राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, चाहता यीशु मुझको डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कहे मैं करूंगा, तेरे राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु वे। आमेन। क्या आप आमेन कह सकते हैं? Can I hear an amen? क्या मैं एक आमेन सुन सकता हूं? May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Beyond what you have imagined. आपने कल्पना करने से भी बढ़कर। Amen. May the Lord fill you. परमेश्वर आपको भर दे। Even with those things which you have never expected. जिन चीजों के बारे में आपने नहीं सोचा, उन चीजों से। Amen. You have not yet seen what God is about to do with you. आपने अभी नहीं देखा कि परमेश्वर आपके साथ क्या करने वाले हैं। I don't say welcome to the new year. I say surely today welcome to the fresh, mighty, unexpected, unthought move of the Holy Ghost in new year. मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि कभी ना सोचा हुआ, ना निरीक्षा रखा हुआ, कभी दिमाग में भी ना आया हुआ, जैसा परमेश्वर के चलाओ के साल में आपको मैं स्वागत करता हूँ। Amen. The natural world is so deceptive. आप देख रहे हो कि नैसर्गिक पृथ्वी कितना कठिनाई में है। No. इतना धोखेबाज है। इतना धोखेबाज है। I will, before coming to that, you know Elijah, because of the time, I will only give an exaltation. You know Elijah. आप एलिया को जानते हो? Elijah is one mighty prophet the Bible has ever recorded. पवित्र शास्त्र में सबसे महान भविष्यवक्ता एलिया है. Because he is one prophet who brought fire from heaven. क्योंकि वो वह भविष्यवक्ता है जो स्वर्ग से अग्नि को ले आया. Of course, it is the God who sent it. सही है कि परमेश्वर ने उसे भेजा है. But God to send a fire at the request of one man. लेकिन एक मनुष्य के विनती में परमेश्वर ने आग को भेजा. एक मनुष्य के विनती पर अगर परमेश्वर स्वर्ग से आग भेज सकता है तो कैसा रिश्ता होगा वो? So imagine. आप कल्पना कीजिए। What kind of relationship Elijah must have had with God? परमेश्वर के साथ एलिया का किस तरीके का रिश्ता था? That at the request of one simple man, एक साधारण से मनुष्य के विनंती से, God sent fire. परमेश्वर ने अग्नि को भेज दिया। And after the fire, और अग्नि के बाद, within few hours, थोड़े ही घंटों में, he sent rain. उन्होंने बारिश को भेजा। That was never there for years. जो कई सालों से नहीं था। See, देखिए, it's your relationship with God that brings His rain upon your life. आपका परमेश्वर के साथ रहने वाला रिश्ता ही है जो स्वर्ग से बारिश को ले आता है। Everybody says, सब कहते हैं, come to church, you'll be blessed. कलीसिया को आइए, आप आशीषित रहेंगे। But I tell you, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, come to the relationship of God. आप परमेश्वर के रिश्ते में आ जाइए। You will be blessed. आप आशीषित रहेंगे। Every kind of rain will fill you. हर एक तरीके का बारिश आपको भर देगा।
I want to show you few tips from the life of Elijah. एलिया की जिंदगी के थोड़े विषय को मैं आपसे बताना चाहता हूं. And the greatest I want to show you is his relationship with और, God. और सबसे बढ़कर मैं यह दिखाना चाहता हूं उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ. You know how powerful that relationship was? आप जानते हो कितना बलशाली वो रिश्ता था? One day Naaman came, not so that was Elisha, right? One day एक दिन king came to Elisha. राजा एलिया के पास आए. When Elisha was on the bed. जब एलिशा बिस्तर पर था. Elijah such an amazing personality. वो इतना अद्भुत इंसान. In Bible, पवित्र शास्त्र में Crows have never fed any prophet. कौवों ने किसी भविष्यवक्ता को खाना नहीं खिलाया. But at the command of God, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा से every day, हर दिन, and these crows never brought gaspus. और यह कौवा कभी भी घास नहीं ले आए. Every day, हर दिन, bread, रोटी, meat, और meat, mutton, मांस. That means. This guy ate non-veg when the world was having famine. जब दुनिया में अकाल था यह इंसान मांस खा रहा था. Non-veg खा रहा था. But you know how much it plays on you? लेकिन आप जानते हो कितना अर्थ देता है. I'll show you something. मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. Number one. पहले चीज. He was in the cave. वो गुफा में था. Continuously crows brought the water. निरंतर रीति से कौओं ने पानी लाकर दिया. And he drank from the brook. और वहां से वो पिया. How many of you like Elijah? कितने लोग एलिया से प्यार करते हैं? Nobody. कोई नहीं. प्यार नहीं, पसंद करते हैं. How many of you like Elijah? कितने लोग एलिया को पसंद करते हैं? Wonderful. Let's see. How many of you love the God of Elijah? कितने लोग एलिया के परमेश्वर से प्यार करते हैं? अच्छा खासा हाथ दिखाइए. नहीं तो नहीं दिखाए, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो हम परमेश्वर को मेहरबानी तो नहीं कर सकते ना. अच्छा वाला ना. आमेन. थैंक यू सो मच. ऑलमोस्ट 100% ऑल द हैंड्स वेंट अप. यू लव द गॉड ऑफ एलिशा. आप एलिया के परमेश्वर से प्यार करते हैं? गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरे सवाल के लिए आप तैयार हो जाइए. द सेम गॉड कॉल्स यू टू द केव टुमारो. अगर वही परमेश्वर कल के दिन आपको गुफा में बुलाएंगे तो हाउ मेनी विल गो. कितने लोग आप जाएंगे? बिकॉज़ आई नो हाउ मेनी विल गो. क्योंकि मैं जानता हूँ कितने लोग जाएंगे. I know you very well. मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ. How many will go? कितने लोग आप जाएंगे? Walk. चलते. Non-filter water. From the brook. Yeah. Crows me, you know, gripping you me. Think about it. उसके बारे में आप सोचिए. Don't make Jesus God of luxury. Jesus is just not the God of luxury. He is the God of the luxurious of luxuries. Wait. But at the same time. लेकिन उसी समय में. At the same time. उसी समय में. To do His purpose. उनके उद्देश्य को करने के लिए. He will call you. वो आपको बुलाएंगे. And that time, और उस समय में, let your love for him not fail because of the luxury. उस आरामदायक जिंदगी के लिए आपका प्यार वहां पर नाकाम ना फेल ना हो जाए. उसको बोले प्रभु गुफा बोलता है मैं गुफा के लिए तैयार हूं, महल बोलता है तो महल के लिए भी मैं तैयार हूं. Can I tell you now? क्या मैं अब आपसे कह सकता हूँ? Even Elijah failed. एलिया भी नाकाम ठहरा. Pastor, पासवान जी, कैसे? Remember. याद रखिए. Water dried. वहाँ पर पानी सूख गया. Before Elijah said anything. एलिया कुछ कहने से पहले. God Himself said. परमेश्वर ने खुद कहा. Elijah. एलिया. I already spoken to one widow. मैंने पहले ही एक विधवा से बात किया है. You go to widow. तू उस विधवा के पास जा. Now I think Elijah was thinking. और मैं सोचता हूँ कि एलिया सोच रहा था. Just like Pastor Santosh maybe. Pastor Santosh की तरह ही वो सोच रहा था. I was thinking call will come from Germany. मैं सोच रहा था जर्मनी से कॉल आएगा. Switzerland से आएगा. Pastor America. अमेरिका से आएगा. That God will say I have told a family in America to give you a car. कि मैंने अमेरिका से एक परिवार से कहा है कि तुझे एक कार दे. पता चला बीदर से कॉल आया.
पता चला कि बिदर से कॉल आया। पास्टर प्रीचिंग के लिए आएंगे? पासवान जी क्या प्रचार करने के लिए आएंगे? So Elijah, are you understanding this? क्या आप समझ रहे हैं? When Elijah is thinking, जब एलिया सोच रहा था, आहाब को अच्छा पाठ मिला, I have got a good lesson now, आहाब को एक अच्छा सीख मिला, he will join hands and call me. अब वो हाथ जोड़कर मुझे बुलाएगा। But you know where God sent him? लेकिन आप जानते हो परमेश्वर ने कहां पर उसे भेजा? Widow. एक विधवा के पास। If you fail to line your expectations with the expectations of God, you get frustrated in life. You get that? If you fail to put your expectations in line with God's expectations, you get frustrated in Christian life. That's why many believers get discouraged. हम हमारी निरीक्षाओं को परमेश्वर की निरीक्षा के साथ जुड़ने में अगर नाकाम हो जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। मुझे इंग्लिश पढ़ने वाली गाने वाली चाहिए था, मुझे परमेश्वर ने कन्नड़ा गाने वाली दे दिया। परमेश्वर जानता था कि मुझे कौन सा चकड़ी पे बिठाया तो अच्छा चकड़ी बंडी चलेगा। These are very dangerous expectations. ये बहुत खतरनाक निरीक्षाएं हैं। It's not that God doesn't want to give you. इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर इसे नहीं देना चाहते। But not now. लेकिन अभी नहीं। There is time for everything. सबके लिए एक समय है। Amen. Amen. Number two, he may be thinking. दूसरी बात वो सोच रहा था। Go to see, there is a widow. वहाँ पर एक विधवा थी। Next shock. दूसरा शॉक। She has never got a telegram at all. उसको कभी एक टेलीग्राम नहीं मिला। God said, परमेश्वर ने कहा, I have told her, मैंने उसे कहा है। You know what she said? आप जानते हो उसने क्या कहा? He came and said, अम्मा। उन्होंने आकर कहा, अम्मा। मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। Give me some water. मेरे लिए थोड़ा पानी दे दो। She nicely went and checked. There was little water. Famine, remember, famine. वहाँ पर अकाल था, आप याद रखिए। In the famine, अकाल में, even if you give 1,000 rupees and tell them, give me 1 bucket of water, they will say, keep your 1,000 rupees. I want water. That is famine. अगर आप 1,000 रुपए देकर पानी मांगेंगे, तो वो आपके 1,000 रुपए को आपको देकर पानी रखेंगे, वो अकाल है। But she bought a water. लेकिन उसने पानी लाकर दिया। He drank. उसने पिया। She was going back. वो वापस He जा said, रही थी। Give me, bring me some water, bread. उन्होंने कहा, एक रोटी मुझे दे दो। What she said? उसने क्या कहा? She said, sir. उसने कहा, श्रीमान। I have last roti in my, remember? She said last roti. मेरे पास एक आखरी रोटी बचा है। And then she said, और उसके बाद उसने today कहा, one day myself and my son will eat it. आज के दिन मैं और मेरा बेटा मिलकर उसे खाएंगे। Then we will die. उसके बाद हम मर जाएंगे। So she was ready to die. वो मरने के लिए तैयार थी। That means. इसका अर्थ है। Crows never told him we are going to die. कौओं ने कभी नहीं कहा कि हम मरने वाले हैं। Water dried. पानी सूख गया। But crows service never died. लेकिन कौओं का सर्विस सेवकाई नहीं मर गया। Believe me. आप मुझ पर विश्वास कीजिए। Your water may dry, your business may dry. आपका बिजनेस सूख सकता है। But God's supply upon your life will never die. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके जिंदगी में कभी never नहीं stop. मरेगा। वो कभी नहीं रुकेगा। Did you understand what I mean to say? क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Amen. Amen. What you earn, what you dependent upon can dry, but His grace never dries. आप जिस पर निर्भर होते हैं वो सूख सकता है, लेकिन उनका अनुग्रह कभी नहीं सूखेगा। दूसरा बात, अपना निर्भरता सही दिशा में नहीं लगाते हैं तो हम लोग धोखा खा लेते हैं। Put your trust upon the right source. Today the business may go, but the source can give you greater again. आज के दिन आपका बिजनेस जा सकता है, लेकिन जो देने वाला है उससे बढ़कर वो आपको दे सकता है। You with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So if he says go to the cave, don't worry about it. इसलिए अगर वो गुफा में जाने के लिए कहते हैं, उसके बारे में आप चिंता Who मत कीजिए। कौन रक्षा करेगा? I will lose my customer. मेरे कस्टमर को मैं खो दूंगा, मेरे लोगों को मैं खो दूंगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जब आप वापस लौटेंगे, even if it is gone, अगर वो चला गया तो भी, he will show you that he has taken it away, that he can give you the better and the best. वो आपको दिखाएंगे कि उसने आपसे वो ले लिया है, तो उससे बढ़कर श्रेष्ठ और अमूल्य वो आपको वापस लौटा देंगे। And he tells her, और वो उनसे कहते हैं, डोंट वरी, चिंता मत कर। Thus says the Lord, इस तरह परमेश्वर कहते हैं। That means, इसका मतलब, what famine says is not true, it will die.
व्हाट सेज गॉड विल बी फुलफिल्ड। जो अकाल कहता है वो सही नहीं है, वो मर जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर कहता है वो रहकर वो परिपूर्ण होता है। मुझ पर विश्वास कीजिए। सिचुएशन सेज इज गोइंग टू डाई, जो आपके हालात कहते हैं वो मरने वाला है। व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज इज गोइंग टू लिव, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है वो जीवित रहता है। होल्ड टू इट, आप उस पर निरीक्षा रखिए और उस हालात से आप कहिए, लॉस इज इट लॉस, अगर वो लॉस है तो डोंट वरी, चिंता मत कर, I have somebody मेरे पास कोई है, with whom I walk जिसके साथ मैं चलता हूँ, he knows no loss वो loss के बारे में नहीं जानते, he knows how to turn it, वो जानते हैं उसको कैसे बदलना है। Pastor, it's very easy to say, brother, that's how I am walking in the ministry। पासवान जी, बहुत आसान है कहने के लिए, मेरे भाई इसी तरह मैं सेवकाई में बढ़ रहा हूँ। He said, oh woman, you will not die। उन्होंने कहा, ओ स्त्री तू नहीं मरेगी। Can I tell you something sweet? क्या एक सुंदर सा बात मैं आपसे कह सकता हूँ? Woman, you will not die। वो स्त्री नहीं मरेगी। God never sends a prophet for death, but God sends prophet for resurrection। परमेश्वर भविष्यवक्ता को मृत्यु के लिए नहीं भेजते, लेकिन एक भविष्यवक्ता को पुनरुत्थान के लिए वो भेजते हैं। And you are that prophet। और आप वो भविष्यवक्ता हैं। Your prayer life is that prophet। आपका प्रार्थना जिंदगी वो भविष्यवक्ता है। Your prayer life never comes to you for your death। Your prayer life comes to you for your upliftment। आपके प्रार्थना का जिंदगी मृत्यु के लिए वो नहीं आता, लेकिन आपको ऊंचा उठाने के लिए वो आता है। But I tell you, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, though you are so strong, आप इतना बलशाली होने के बावजूद, एलाइजा उतना बलशाली होने के बावजूद, the deception was working। वहाँ पर धोखा चल रहा था। Can I show you? क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ? Are you ready for that? क्या उसके लिए आप तैयार हैं? Can I show you? क्या आपको दिखा सकता हूँ? Can I show you the scripture that what all I said he was expecting from king, he was expecting was true, you know? I'll show you। मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट किंग्स, पहले राजाओं का पुस्तक, चैप्टर 17, उसका 17वां अध्याय। फर्स्ट किंग्स, पहले राजाओं का पुस्तक, चैप्टर 17, उसका 17वां अध्याय। वर्स 17, उसका 17वां वचन। Now it happened after these things that the son of woman who owned the house became sick and his sickness was so serious that there was no breath left in him। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहां तक बढ़ा कि उसकी सांस लेना बंद हो गया। Verse 19। 19वां वचन। And he said to her, give me your son। So he took him out of her arms, carried him to the upper room where he was staying and laid him on his bed। उसने उसे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद में लेकर उस ऊपरी कमरे पर गया जहां वह रहता था। हाँ, listen what he said। आप सुनिए क्या कहा। Number one, it is not written he said or asked, it's then he cried। उसमें कैसे लिखा है? और अपने खाट पर लेटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा। हाँ, हिंदी में पुकार कर, इंग्लिश सेज ही क्राइड आउट टू द लॉर्ड एंड सेड, ओ लॉर्ड माय गॉड, हैव यू आल्सो ब्रॉट ट्रेजेडी ऑन द विडो विथ हूम आई लॉज बाय किलिंग हर सन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटे को मार डालकर जिसने यह कि मैं ठीक हूं इस पर भी विपत्ति ले आया है? Are you with me? What is he saying? क्या आप मेरे साथ हैं? ये क्या कह रहा है? Tell me something। आप मुझे इस बात को कहिए। Is it the widow who is taking care of him? क्या वो विधवा थी जो उसको संभाल रही थी? Look at what he is saying। वो क्या कह रहा है? हिंदी में clear लिखा है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटे को मार डालकर, हाँ, क्या तू इस विधवा के बेटे को मार डालकर जिसके यहाँ मैं ठीक हूँ, हाँ, विधवा के घर में मैं पूछू एलिशा, क्या तू विधवा के घर में ठीक है? क्या प्रभु की कृपा में ठीक है? कैसे एलिशा का ध्यान प्रभु के कृपा से हटकर एक विधवा का रोटी में बस गया? वो सोचने लगा, ये रोटी ही मेरी जिंदगी है, अगर ये बंद हो गया तो मैं मर जाऊंगा, इसी से मैं जीता हूं। आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? हर पासवान को डर लगता है, अगर ये कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, तो कैसे जीऊंगा? लेकिन प्रभु कहता है, कब मेरा कृपा से तेरा नजर हटकर तेरे आमदनी पर ठीक बस गया,
कितने लोगों को ये? ये बहुत बड़ा पाप है. मैंने कहा पाप. अगर आपका बेटी आपको छोड़कर अपने अंकल के पास कुछ मांगने के लिए गई तो आपको कैसा लगेगा? बेट पिता को मैं मर गया था क्या बोलेंगे आप? यही पाप हम अपने पिता से करते हैं. कब एलिय्याह का नजर प्रभु की कृपा से हटकर क्या लाइन बोल रहा है देखिए. तूने इस विधवा के ऊपर भी आपत्ति डाल दिया जिसके यहां मैं ठीक था. अरे विधवा के घर में ठीक था, ठीक है, एक रोटी की वजह से. आप सोचते हैं आपका नौकरी में आप ठीक हैं? यहोवा में आप ठीक हो इसलिए ठीक ठाक नौकरी है. यहोवा में आप ठीक हो इसलिए ठीक ठाक बिजनेस है. यहोवा में आप ठीक हो इसलिए ठीक ठाक परिवार है. इसने विधवा को हरा भरा समझ लिया. इसने विधवा को हरा भरा समझ लिया. What a tragedy. You see, इसीलिए if your expectations are not in line with God's expectation, अगर आपकी निरीक्षाएं परमेश्वर की निरीक्षा के साथ नहीं है तो this is what will happen to us. यही है जो हमारे साथ भी घटेगा. हाँ. And the Lord, how the Lord must have felt. कैसे परमेश्वर को लगा होगा? अरे पागल, पागल. एक कौवे को मैं समझा सकता हूँ. अगर एक कौवे को मैं समझा सकता हूँ, एक विधवा को मैं समझा सकता हूँ, एक विधवा को भी मैं समझा सकता हूँ. तू अभी तक मुझे नहीं समझा. तू अभी तक मुझे नहीं समझा. And the Bible says, और पवित्र शास्त्र कहता है, Elijah lied, put him on the bed. एलिय्याह ने उसको बिस्तर पर डाला. And he stretched three times. और तीन बार अपने हाथ को फैला दिया. When he prayed for the rain, seven times. जब बारिश के लिए सात बार उसने प्रार्थना किया. But when he prayed for the fire, one time. लेकिन जब अग्नि के लिए प्रार्थना किया सिर्फ एक ही बार उसने किया. Did you hear that? क्या आपने उसे सुना? I'm finishing with this. इसके कहकर कृपया करके ध्यान देकर आप. When he prayed for the resurrection, जब पुनरुत्थान के लिए उसने प्रार्थना किया. Three times. तीन बार. When he prayed for the rain, जब बारिश के लिए उसने प्रार्थना किया. Seven times. सात बार. But when he prayed for the fire, लेकिन जब उसने अग्नि के लिए प्रार्थना किया, one time, सिर्फ एक बार. When he prayed for the child, जब उस बेटे के लिए उसने प्रार्थना किया, it is for the benefit of the widow, वो विधवा के लिए, विधवा के लिए. Three times pleading, तीन बार पुकारते हुए, crying, पुकारते हुए. When he prayed for the rain, जब उसने बारिश के लिए प्रार्थना किया, it is to bless the whole country, वो पूरे शहर को आशीषित करने के लिए. Seven times please. Please, please. सात बार उसने पुकारा. But when he prayed for the fire, लेकिन जब अग्नि के लिए उसने प्रार्थना किया, it was for the judgment. वो न्याय निरन के लिए Just था. Just one time. सिर्फ एक ही बार. Did you understand this? क्या इसे आप समझ पा when रहे हो? Somebody asks the Lord for judgment. जब कोई परमेश्वर को न्याय निरन पूछता है. That's why. इसीलिए. Don't touch anybody. किसी को आप मत छुए. Because when they pray for the judgment, क्योंकि जब वो न्याय निरन के लिए प्रार्थना करते हैं, it just takes one prayer. वो सिर्फ एक प्रार्थना का जरूरत है. But when you want to bless a widow, लेकिन जब एक विधवा को आप आशीषित करना चाहते हैं, it takes three times prayer. वो तीन समय का प्रार्थना लेता है. It is better for me to pray three times. It is better for me to pray seven times for the benefit and the blessing of our people, rather than pray for one time for the judgment which is quick. लोगों के आशीष के लिए. एक मिनट. हमारे लोगों की आशीष के लिए तीन बार सात बार प्रार्थना करना मेरे लिए भलाई होगा, बल्कि इससे कि अपने न्याय के लिए एक बार प्रार्थना करें. एक बार भी न्याय के लिए प्रार्थना करेंगे तो न्याय मिल जाएगा, लेकिन आशीष नहीं होगा. और इसीलिए मेमने का लहू दरवाजों पर लगाया गया था कि प्रभु जो न्याय तू मिश्रियों के साथ करके उनके बच्चों को मार रहा है वो हमारे घर में ना आए, क्योंकि आपका एक लौता पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें बचा लेता है. लॉर्ड मे द जजमेंट दैट यू ब्रिंगिंग अपॉन इजिप्ट टुडे मे नॉट एंटर माय हाउस बिकॉज आई कम अंडर द ब्लड ऑफ जीसस बिकॉज आई एम नो बेटर. ओनली द ब्लड कैन सेव मी. एंड द ब्लड ऑफ जीसस इज जस्ट नॉट फिजिकल, द ब्लड ऑफ जीसस इज स्पिरिचुअल. इट हैज नॉट ड्राइड लास्ट 2000 ईयर्स, इट इज स्टिल अलाइव बिकॉज द ब्लड ऑफ जीसस इज नॉट फिजिकल, द ब्लड ऑफ जीसस इज स्पिरिचुअल. व्हेन ही डाइड ऑन द क्रॉस द फिजिकल ब्लड ब्लेड, बट व्हेन नाउ व्हेन यू रिसीव द फॉरगिवनेस द स्पिरिचुअल ब्लड ऑफ द सेम ब्लड ऑफ द फिजिकल
continues to flow upon your life and heals you. यीशु मसीह का लहू सिर्फ शारीरिक नहीं है, आत्मिक है. जब उसने क्रूस पर अपना शरीर से शारीरिक लहू हमारे लिए बहाया, वो लहू सूख कर घट होकर मर नहीं गया, लेकिन आत्मा में प्रवेश कर कर आज भी वो लहू जीता है. और आज भी कोई यीशु मसीह को अपनाता है तो वही लहू उसको इस न्याय दंड से बचा लेता है. We are enjoying what we are enjoying today is because of being saved from that judgment. आज जो हम अपने जिंदगी में खुशी मना रहे हैं, जिन चीजों का हम लोग स्वाद ले पा रहे हैं, उस छुटकारे के वजह से हम ले पा रहे हैं. नहीं तो एक घटना हमको जीरो ला सकता है. Amen. एक ही घटना. We are delivered by the blood. हम लहू से छुटकारा पाए हुए हैं. Let's be grateful to the blood. उसके लिए हम एहसानमंद रहेंगे. Amen. 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 May the new year just not change you because the calendar has changed. ये नया साल सिर्फ कैलेंडर बदला है इसीलिए नहीं बदलेगा. May it change for you because God has sent His Son's blood upon you. Can you tell Him? क्या आप उनसे कह सकते हैं? I'm sorry, Lord. परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए. Widow is not sustaining me. वो विधवा मेरा ख्याल नहीं रख रही. It's you who is sustaining me. वो आप है जो मेरा ख्याल रखते. She is just an instrument. वो सिर्फ एक instrument. My business is an instrument. मेरा business एक instrument. My job is an instrument. मेरा काम एक instrument है. But it's you who is sustaining me. लेकिन वो आप ही जो मुझे संभाल कर surrender to you. मैं अपने आप को आपको सौंप देता हूं. Let's surrender to him completely. आइए पूरी तरीके से अपने आप को हम सौंप दें. Please surrender him, children, my brother, my sister, every one of us. मेरे भाई, मेरे बहन, सब अपने आप को हम सौंप देते हैं. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. परमेश्वर आपकी स्तुति हम करते हैं. We praise you. आप ही की स्तुति हम करते हैं. We praise you alone. आप ही की स्तुति हम करते हैं पिता, क्योंकि आप योग्य है. Stay there for a few seconds. थोड़े क्षण के लिए आप वहाँ पर रुकिए. And tell him, Lord. और उनसे कहिए, परमेश्वर. It's you. परमेश्वर वो आप ही हैं. It's you alone. परमेश्वर आप अकेले हैं. Father, we thank you for this day. पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं. If you sustained Elijah till the end. परमेश्वर, अंत तक अगर आपने एलिया को संभाल कर रखा. Though the water failed. वहाँ पर पानी नाकाम हो गया. Widow failed. वहाँ पर विधवा भी नाकाम हो गई. But you sustained him. लेकिन आपने उसको संभाल कर ख्याल रखा. And took him in your golden chariot, fiery chariot. और आपके रथों में उसको आपने ले लिया. I believe in Jesus' name. और मैं यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता हूँ. You will sustain us. आप हमें संभालेंगे. All through the new year. पूरे नए साल. Everyone who believes this, just lift our hands and tell him, I believe, Lord. हर कोई जो विश्वास करता है, अपने हाथों को उठा के एलिया का परमेश्वर will sustain me. मुझे संभालेंगे. I surrender to you. मैं आपको सौंप देता हूँ. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of our Father, the sweet communion of the Holy Spirit be with us all.